स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग द कंपार्टमेंट बैच। कंपार्टमेंट जिन बच्चों ने इस बार दिया है या जिन्होंने मैं कहूँ रजिस्टर किया खुद को एग्जाम देना चाह रहे थे, उसमें से काफी बच्चे कंपार्टमेंट देने से बच गए हैं। 10-10 मार्क्स बहुत से बच्चों के बढ़े हैं कंपार्टमेंट आईटी वाले के, और आपकी जो न्यू आंसर्स, आपकी जो रिजल्ट होगी वो आपको ईमेल के थ्रू भेजी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज, सीबीएसई मार्क्स वेरिफिकेशन, सीबीएसई सत्यापन में 6,000 छात्र छात्राओं के 10 अंक तक बढ़ेंगे। सीबीएसई का खुद का कहना है कि 6 से बहुत सारे बच्चों के 10-10 अंक बढ़े हैं और वो बच्चे अब कंपार्टमेंट की कैटेगरी से बाहर है। तो सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड का अंक सत्यापन का काम पूरा किया, आपका मार्क्स वेरिफिकेशन हो चुका है। पटना जोन के 6,000 से अधिक बच्चों के अलग अलग विषयों में 10 नंबर बढ़े हैं। अब सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं में 10,654 छात्र छात्राओं ने बोर्ड में अपनी उत्तर पुस्तिका मांगी थी, यानी कि इतने बच्चों ने अपनी आंसर बुक मंगवाई थी, और ये बोर्ड की ओर से जारी किए गए परिणाम से संतुष्ट नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं तभी आंसर बुक मंगवाते हैं। ये छात्र खुद उत्तर पुस्तिका देखना चाहते हैं और उनके सभी उत्तर पर अंक दिए गए हैं, यानी ऑब्वियसली जिनके नंबर कम है, कुछ बच्चे हैं देखो जेई में बैठना है, उनको 75% चाहिए। अगर नहीं आया है तो एटलीस्ट वो मार्क्स चेक करेंगे कि क्वेश्चन में आया है कि नहीं आया, या अगर किसी की कंपार्टमेंट लगी है और बच्चे को श्योरिटी है कि वो पास है तो ऑब्वियसली बात है कि आंसर बुक मंगवाएंगे बच्चे, या फिर परीक्षकों ने सभी उत्तर में अंक दिए हैं नहीं, ये भी ऐसा होता है क्योंकि बहुत से टीचर ब्लैकलिस्ट भी हुए हैं इस बार। अब जितने छात्र छात्राओं ने उत्तर पुस्तिका के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है उन्हें सीबीएसई द्वारा उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। अब वो आपको ईमेल के थ्रू भेजा जा चुका है, बहुत से बच्चों को मिल भी गया है, कुछ ही बच्चे हैं जिनको नहीं मिला है, और जिन टीचर्स ने आपकी कॉपी गलत तरीके से चेक की थी उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, यानी कि वो अब दोबारा कॉपी चेकिंग नहीं करेंगे। खास तौर पे बिहार में हर साल 100 से अधिक ऐसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जो सीबीएसई के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन नहीं करती और उस वजह से टीचर्स ब्लैकलिस्ट होते हैं। तो आपके लिए अच्छी बात ये होगी कि वो टीचर्स जो होंगे वो आपकी कॉपी चेक नहीं करेंगे, जो अच्छे से मार्क्स देते हैं वही चेक करेंगे। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो, अगर आपके पास अभी भी टाइम है, 17 जुलाई को एग्जाम है, आप एनसीईआरटी को अच्छे से कीजिए और पीवाईक्यूज, लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज करना मत भूलिएगा। इस बार जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए थे उसे भी देख के जाइएगा क्योंकि उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं। आप में से बहुत से बच्चे सेंटर की बात कर रहे थे कि सेंटर कहाँ आएगा, तो पुराना सेंटर होने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि अब कम बच्चे हैं, तो ओवरऑल एक सिटी में कुछ सेंटर्स, मिनिमम सेंटर्स होंगे जहाँ पे सारे बच्चे एग्जाम देंगे। हाँ, वो नियर बाय हो सकता है। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो पासिंग क्राइटेरिया हैज नॉट चेंज, या सिलेबस चेंज नहीं हुआ वैसे पासिंग क्राइटेरिया भी चेंज नहीं हुई है। अगर आप क्लास 10th के हैं तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलाकर के आपको 33 लाना था फॉर क्लास 10th, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स तो आप जानते हो 20 में 18 से 20 तक आया होगा, ठीक है। थ्योरी में आपको 13 से 15 के रेंज में कुछ भी आता है तो आप इसको पास कर लोगे, ठीक है। तो आप देखो आपके प्रैक्टिकल में कितने, अगर 18 भी हैं तो आप 15 लेकर के आ जाओ, तो मिनिमम इतना है 10th वालों का। अब अगर 12th की बात करें तो 12th में कुछ सब्जेक्ट 70 के हैं, कुछ 80 के हैं, 12th वालों को प्रैक्टिकल के मार्क्स से लेना देना नहीं है, ना थ्योरी में अलग से पास करना है, ठीक है। तो आप अगर 70 लाए हैं तो इसमें आपको 23 मार्क्स लाना है, 80 लाए हैं तो आपको 26.4 यानी कि ऑलमोस्ट 27 तक लेकर के आपको आना है। हालांकि प्रैक्टिकल में आपके जितने भी आए हों, 30 में 28 आए हों या 30 भी आए हों, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको अलग से पास होना पड़ेगा थ्योरी में। और जो इंटरनल मार्क्स आपको मिल गए ना, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि सिर्फ अभी आपका एग्जाम जो होगा वो थ्योरी का होगा, प्रैक्टिकल का दोबारा एग्जाम नहीं होता, जो स्कूल ने ले लिया वही रहेगा। बहरहाल अब ये है री इवेल्युएशन। देखो, जिन बच्चों ने वेरिफिकेशन करवाया था, मार्क्स बढ़ गए, वेल एंड गुड, फोटोकॉपी मंगवाई है, फोटोकॉपी आंसर शीट अगर आ गई है तो अब आपके पास एक री इवेल्युएशन का विंडो ओपन है। 5 तारीख से यानी कि आज से कल तक का टाइम है, आपको अगर डाउट है तो अप्लाई कर दीजिए। 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन लग रहा है, बट ठीक है, जहां आपने इसमें खर्चा किया और इसमें खर्चा किया वहां आप यहां भी री इवेल्युएशन में पेमेंट कर दीजिए, ताकि आप जो भी क्वेश्चन में आपके डाउट है श्योर डाउट से अपने टीचर से कंफर्म होके ही अप्लाई करना। कई बच्चे ये भी कहने के उन्होंने अटेम्प्ट लिया था उसके नंबर नहीं मिले, हालांकि उनका अटेम्प्ट गलत है, तो बेटा अगर गलत अटेम्प्ट है तो फिर नंबर नहीं मिलने चाहिए, ठीक है।
अटेम्प्ट लिया है और वो पार्टली सही है पार्टली गलत है तो पार्टली सही पे मार्क्स मिलते हैं. इफ यू हैव टेकन रॉन्ग अटेम्प्ट, अटेम्प्ट डज नॉट मीन दैट यू टेक रॉन्ग अटेम्प्ट एंड यू विल बी अवार्डेड मार्क्स. रॉन्ग अटेम्प्ट के नंबर नहीं होते, करेक्ट. तो वो आप टीचर से वेरीफाई करवा लो फिर आप अप्लाई करो. हालांकि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी कंपार्टमेंट एग्जाम से पहले जिसमें आप मार्क्स बढ़वा के कंपार्टमेंट की कैटेगरी से बाहर हो सकते हैं या अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं. सो गो अहेड. नाउ टॉकिंग अबाउट अ कंपार्टमेंट क्लास, केमिस्ट्री क्लास 12th एंड साइंस क्लास 10th, बच्चों बैचेस लॉन्च हो गई हैं. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ईमेल कर दीजिए, फर्दर प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा. क्लासेस विल बी वाया जूम एंड जो भी आपको प्रोसेस होंगे एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी होगी, पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में करवाऊंगी, हाईलाइटेड पीडीएफ दूंगी, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे. सो एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट. आप अगर लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको स्पेशल बैचेस दे दी जाएंगी ताकि आपकी कवरेज हो सके. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड डू नॉट वेस्ट टाइम, हरी अपना.